अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अब बहुत बेहतर हूँ। यहाँ हम वेट कर रहे थे, किसी का नहीं आया भाई। मेरे ख्याल हमने 7:45 हमने किया था ऑर्डर, अब 9 क्या टाइम हुआ है भाई? अब 9:15 हो चुके हैं। कई पिज़्ज़ा वालों से हमने पहली बार ऑर्डर किया है और अभी तक नहीं आया। उनको लोकेशन पर उनको पता ही नहीं लगता। पहले तो उन्होंने ऑर्डर ही सही नोट नहीं किया ना, पहले उन्होंने कहा पिज़्ज़ा लिख दिया। हाँ, और अब उनको ऑर्डर हमने कंफर्म किया तो अब वो कह रहे हैं कि आते हैं आते हैं आते हैं। अब वो अब डांट रहे हैं ना उनको। अब कह रहा है 5 मिनट कह रहा है। चलो देखते हैं 5 मिनट में, मैम 5 मिनट का टाइम नोट कर लो, देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है ना, स्टार्ट। ओके, 5 मिनट का टाइम हमने लगा लिया, अब देखते हैं कि वो 5 मिनट पहले आ गया तो अच्छी बात है ना। इसको मैं टिप को नहीं देना है भाई। टिप नहीं देना, टिप बनती नहीं। और क्या टिप मैं दे रहा बनती है। हम कब से वेट कर रहे हैं, वो चाहिए हमें फ्री में बर्गर्स दें। उनके पास 4 मिनट्स पड़े हैं। दे हैव ओनली 4 मिनट्स, नो लाइट। अब वेट कर रहे हैं, अब कहते हैं एक दो आ ले सी इन लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये लास्ट नहीं है। 3 minutes के अंदर अंदर अगर वो आ गए तो वेल एंड गुड। बनाए प्रेम, उनके पैसे नहीं मिलने चाहिए। मैं फीलिंग आ रही है, मुझे फीलिंग आ रही है कि बर्गर बहुत फजूल होंगे। हाँ, उनके एक तो उनका कोई सिस्टम नहीं है, पहले उन्होंने हमारा ऑर्डर इतना गलत दिया और अब 1.5 घंटा लगा दिया। वैसे ही वो न्यू है। लेट्स सी, खोला सूखी पैटी, सूखा बर्गर, सही बात है। दिखाओ, नहीं 2 मिनट पूरे 2 मिनट इनके पास। हालांकि इब्राहिम 5 मिनट का रास्ता है ही नहीं, 1 मिनट का भी नहीं है। जो होता है ना, राइडर की गलती नहीं होती। राइडर की गलती, हाँ, गलती पता है सारी गलती रिसेप्शन वाले की। हाँ, मैनेजमेंट की, उनकी जो ये इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। पहले टाइमर सिर्फ 1 मिनट रह गया इब्राहिम, 1 मिनट खत्म। अगर ना आया दिखाओ दिखाओ। ओ ओ, they couldn't reach the target. आपको पता क्या हुआ? क्या? बर्गर नहीं आ रहे हमारे। ओ ओ, क्या हुआ? दीजा ने? किसने मारा? अपने मारा? आपा ने मारा उसको? और एक बार फिर से ना उम्मीद हो कि बाबा वापस आ चुके हैं। तो इट्स बेटर टू कॉल देम अगेन और उनको कहा जाए कि कीप योर बर्गर्स। वो भी बार-बार कहते हैं, बार-बार कॉल कर ही आ रहे हैं। बाबा कहां जा रही हो? मैं जस्ट आई हूं ना। भाई आके पापा कहते हैं, पापा कहते हैं कैंसिल कर दें। किंग पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इज सो लेजी। यस, चलो मैं अंदर क्लोज द डोर। सो एट लास्ट हम लोग ना उम्मीद होकर अंदर आ गए और अब ना तो वो फ़ोन उठा रहा था और ना ही अब हमने उनसे ऑर्डर रिसीव करना था। सो अब कहीं और से हमने बर्गर्स मंगवा लिए थे और काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। खैर, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। सो इन्हीं बर्गर्स को इन्जॉय करते हैं। मैं जा रही हूँ, देखो मेरा सारा सामान वो पड़ा हुआ है। मास दीजा, मैं जा रही हूँ घर, बाय। नाराज हो मेरे से? क्यों? ये है अगला दिन और आज मैंने जाना था घर और दीजा मुझसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि उसको था कि मैं एक और दिन उसके पास रहूं। लेकिन मैंने घर जाके पैकिंग करनी थी और भी मेरे बहुत सारे काम थे, सो घर जाना ज़रूरी था और ये छोटी सी प्यारी सी परी मुझसे नाराज़ हो गई थी। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं बोलती मेरे से? बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, मासूम और मुखलिस, उनके अंदर कोई खोट नहीं होती और ना ही कोई दिखावा होता है। मीना क्या हुआ? चलो आओ, चलें आओ, आगे चलें। रश को, वो देखो मूसा,
सो अगले दिन मैं और मारिया आए थे कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका था। तो बच्चों को हमने एक एक कार्ट में डाला ताकि वो इधर उधर ना भागें और ना ही शोर मचाएं, क्योंकि बच्चे हर जगह फैल जाते हैं और उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। एक ले लो, एक पैट ले रहे हैं ना, वो ऐसे बड़ी लेते हैं साथ ही, और स्प्राइट तो भी पैट ले लेते। रात के खाने के बाद दिल किया कि मीठे में कुछ हो जाए, तो मारिया बना रही है हलवा, क्योंकि हलवा मैं बनाती तो हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाती जितना वो अच्छा बनाती है। सो यहाँ बन रहा है 6 चम्मच हलवा, क्योंकि मैं बनाती हूँ कप के हिसाब से और मारिया का हिसाब है चम्मच के हिसाब से। मैंने तुम्हें ज़्यादा अंदाज़ा है, मैंने कहीं फिर 2 ग्लास दूध डाल लेंगे हम। अच्छा मुझे ना घी थोड़ा लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लूँ? ऑयल थोड़ा डाल लो। हाँ तो यहाँ पे मारिया ने ऑलमोस्ट जो सूजी है वो भून ली है। दूध मैंने ऊपर रख दिया था उबलने के लिए, जो कि अभी मुस्तफा भाई लेकर आए थे, क्योंकि रात को बच्चे माशाल्लाह से दूध पीते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हमने दोबारा मंगवा लिया था। साथ में चाय भी ऊपर रख दी, हलवे के साथ चाय पियेंगे, मज़ा आएगा। मारिया उन लोगों में से है जिसको बैठे बिठाए मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी आती है ना वो हलवा या कोई सेवियाँ मिठाई इस तरह की चीज़ें ज़रूर मंगवाती है और उसके साथ हम भी खा लेते हैं, वरना आम रूटीन में ना कोई हलवा बनाता है ना ही किसी को याद आता है हलवा बनाना। तो अब वो डाल रही है, ये उसका टिप है, ये हमारी फैमिली में अक्सर लोग यही टिप इस्तेमाल करते हैं कि हलवा जब बन जाता है ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा नीडो डाल देते हैं, अगर आपके पास खोया नहीं है तो। और अगर आपके पास नीडो नहीं है ना तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से मिठाई तो आई होती है, तो उसमें बर्फ़ी तो होती है, तो बर्फ़ी को आप तोड़ तोड़ के उसके हलवे के अंदर शामिल कर लें तो उसके जो लम्स मुँह में आएंगे ना तो वो बड़े अच्छे लगेंगे आपको। सो यहाँ पर हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने इसके ऊपर बादाम भी डाल दिए हैं, तो अब हम लोग भी खाने लगे हैं, बच्चों को भी देने वाला है, क्योंकि बच्चे आम रूटीन में कोई चीज़ बड़े शौक से नहीं खाता है लेकिन हलवा बड़े शौक से खा लेते हैं। सो बच्चों ने खाना खा लिया, हलवा भी हम लोग खा चुके हैं और चाय भी पी लिया। तो मिन्हा और माज ऊपर आ गए थे मेरे पास, तो मारिया आ गई थी मिन्हा को लेने के लिए, तो मैंने उसको अपने पास बिठा लिया था। ये ऊपर आए ना, मैंने इनको कार्टून लगा दिया थे तो बस साथ में ही खेल रहे थे, मैंने चलो खेले बैठ के आराम से, टाइम इतना नहीं हुआ। क्यों कह रही थी मामा पास जाना है? आज ऊपर सो जाओ, मामी जान के पास सो जाओ, ठीक है? मामी की जान के पास रहना है आज, ऊपर रहना है मेरे साथ, सो जाओ आज मामी जान के साथ। मामा साथ जाना है कि मामी के पास रहना है? और जी आज हम जा रहे थे मार्केट, क्योंकि मेरे थोड़े से काम रहते थे, मैंने एक जूता लेना था जो कि इजी हो ताकि एयरपोर्ट पे मास्क के साथ मुझे मुश्किल ना हो। सो पहले हम आए हैं डाइनर्स पे, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ सूट देखना था, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, सो यहाँ से एक सूट लिया और अब ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने मानी के लिए भी सूट लेना था, तो ये मुझे वाइट सूट पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने जुम्मे को शलवार कमीज पहनते हैं, तो मेरा दिल था कि मैं उनके लिए एक अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट एक शलवार कमीज़ लेकर जाती हूँ, लेकिन होनी को कौन डाल सकता है। बच्चों ने हमें बड़ा ही तंग किया, बच्चों को ये था कि उनके जो बलून्स हैं उनकी लाइट्स ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन दोनों की लाइट्स ख़राब हो गई थी, हालांकि अभी हमने इनको ख़रीद के दिए थे। उसके बाद हम लोग आए फजल सेंटर, वहाँ पर मैंने हॉपस्कॉच से बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो वहाँ से बड़ी अच्छी शर्ट्स थी जो मुझे पसंद आई, माज और मूसा का एक जैसा सूट लिया और मीना के लिए एक बड़ा प्यारा सा डेनिम का फ्रॉक लिया। फिर हमारे पास एक बटाला बेकर्स है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके केक्स होते हैं, तो यहाँ से हमने बच्चों को डोनट्स लेके दिए थे। और थक हार के अब हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब उनको थोड़ा सा दूध छूत पिला के डोनट्स खिला के उनको सुला देना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था KFC खाने का और बच्चे KFC नहीं खाते, ना बर्गर ना ही उसका चिकन पीस, सो उनके लिए हमने इसलिए डोनट्स ले लिए थे कि चलो कुछ वो खा लेंगे तो पेट भर जाएगा।
सो अब हम जा रहे हैं घर, शुक्र है। और जी आज का व्लॉग मैं यहीं भी ख़त्म करती हूँ KFC के साथ। बहुत ही मज़े का बर्गर था, बहुत ही फ्रेश। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा।